नमस्कार, रागगिरी में आपका स्वागत है। आज जिस कलाकार से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, उनका परिचय कराने में मुझे थोड़ी ज्यादा खुशी हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका और मेरा संबंध एक ही शहर इलाहाबाद से है। स्वागत करते हैं गौरव मजुमदार का, जिन्होंने इलाहाबाद से अपना सफर शुरू कर आज अपने संगीत की महक को फैलाया है सात समंदर पार तक। वो महान सितार वादक पंडित रविशंकर के शिष्य हैं और उसी परंपरा को लेकर देश विदेश में भारतीय शास्त्रीय संगीत सितार वादन के जरिए उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दादा, बहुत बहुत स्वागत है रागगिरी में। शिवेंद्र भाई, आपको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे याद करने के लिए। और हम लोग का सफर इलाहाबाद से साथ साथ शुरू हुआ है, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। चलिए आज उन यादों को ताज़ा करते हैं, सबके साथ साझा करते हैं। तो दादा, पहला सवाल तो यही जो मैंने कहा कि मुझे थोड़ी ज़्यादा खुशी हो रही है, तो कितना मिस करते हैं इलाहाबाद? शिवेंद्र भाई, इलाहाबाद के साथ हमारा ऐसा एक संबंध जुड़ा हुआ है, तीन पुश्तों का। हमारे दादाजी, हमारे पिताजी और मेरा, मेरे नाना जी, मेरी माँ और मेरा। इलाहाबाद हमारे रग रग में बसा हुआ है, हम बहुत याद करते हैं और जब भी मौका मिलता है हम इलाहाबाद वापस जाते हैं, वहाँ समय बिताते हैं और फिर से अपने जितने भी वहाँ पे हमारे बीते हुए लम्हे हमने वहाँ गुजारे हैं उसको हम फिर से ताज़ा करते हैं। चलिए दादा, अब आपके संगीत की बात करते हैं। और आपने इंट्रोड्यूस अगर देखे हो रागगिरी के, तो हमारी एक परंपरा है कि हम कलाकारों से हमेशा निवेदन करते हैं कि वो बातचीत की शुरुआत करें, इससे पहले एक भजन सुनाएं। तो आपसे भी एक गुजारिश करूंगा कि कोई भजन छेड़िए अपने सितार पर। गुरु गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्छा दादा, आपके पिता पंडित दुलाल मजुमदार जी खुद संगीत से जुड़े हुए थे, तो उनके उनके जो संस्कार थे, क्या यही वजह थी कि आप भी संगीत से ही जुड़े, या आपने बचपन से ही स्वतः आपको लगा कि नहीं संगीत ही करना है? आपका जो संगीत सफर है जो शुरू हुआ होगा बहुत अर्ली स्टेज में, उसकी क्या कहानी है? शिवेंद्र भाई, हमारा जो संगीत का जो रुझान और हमारा संगीत में जाना फुल टाइम, उसमें मेरे पिताजी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं उनका बेटा हूँ और वो एक बहुत ही आर्टिस्टिक, बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन थे और ये उनका पूरा मैं श्रेय उनको देता हूँ कि मैं जो आज संगीत लेके मैं जी रहा हूँ, सिर्फ संगीत कर रहा हूँ, ये इसका श्रेय मेरे पिताजी को जाता है। लेकिन मेरा भी रुझान जो है शुरू से संगीत के प्रति था और जब तक मैं हाई स्कूल में आया तब तक मुझे ये एक आभास हो गया था कि मुझे संगीत ही करना है। और उसका
पूरा जो एक योगदान बोलें, पूरा जो एक घर के तरफ से, हमारे घर के तरफ से हमको बहुत 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 सपोर्ट मिला। मेरे पिताजी दुलाल मजुमदार जी, जैसे आपने बोला, मेरे जो गुरु थे कमला बोस, जयश्री रॉय, उनके पिताजी जो मेरे ताऊजी जेडी मजुमदार, मेरे और दूसरे ताऊजी नलिन मजुमदार, जिन्होंने स्लाइड गिटार को इंट्रोड्यूस किया नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में, और हमारा सारा परिवार, हमको बहुत 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 उन्होंने सपोर्ट किया। और हमको हरदम उन्होंने बोला कि तुम करो और तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, उनका आशीर्वाद हरदम हमको मिला है। और अगर मैं सही हूं तो आपने तो पहले क्लासिकल म्यूजिक गाना शुरू किया था, फिर आपने वायलिन भी सीखा और फिर आप फाइनली सितार पर आए, इसके पीछे की क्या वजह थी? देखिए शिवेंद्र जी, गाना जो है ये बहुत एक जरूरी चीज है हमारे संगीत के लिए। बिना गाने का आपको बजाना या नाचना नहीं आएगा। गाना बहुत जरूरी है, उसके बाद जो दूसरा चीज जो जरूरत है वो ताल पक्ष है, आपको तबला या पखावज कोई एक साज आपको जानना बहुत जरूरी है। सो बचपन से हमने वोकल म्यूजिक बहुत सालों तक सीखा, इसलिए नहीं कि मुझे बाद में कोई साज बजाना है, ऐसा कोई हमारे मन में नहीं था या मेरा पिताजी के मन में नहीं था। हमने क्योंकि मेरी जो गुरु थी, पहले गुरु जो जेडी मजुमदार जी और उनके बेटी कमला बोस जी, बहुत जाने माने गायक वो रहे हैं हमारे देश के, उन वो घर में ही थे, घर में हमने उनको सुना, हमने उनसे ही सीखा। तो क्या हुआ कि गाना कई साल तक हमने सीखा, हमने फिर परफॉर्म भी किया। 4 साल की उम्र में मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला ऑल इंडिया लेवल में, नेशनल कंपटीशन में, और मैंने रेडियो में बच्चों के प्रोग्राम में गाया। और उसके बाद नेचुरली जो एक ट्रांजिशन बोलिए, मेरे घर में वायलिन का एक बहुत बड़ा प्रचलन था, क्योंकि मेरे जो ताऊजी थे जेडी मजुमदार, वो बहुत नामी वायलिन प्लेयर थे, बाबा अलाउद्दीन खां साहब के शागिर्द थे। तो उनकी जो बेटी थी जयश्री रॉय, उनके उनसे मैंने शुरू किया। पिताजी ने उनको बोला कि इसको वायलिन शुरू कराओ, तो जो एक ताऊजी का जो एक ट्रेडिशन है घर में वो बरकरार रहेगा। तो हमने शुरू किया, फिर मैंने करीब 12 साल तक वायलिन बजाया। उसके बाद 1985 में, मैं तब कॉलेज फाइनल में था, पंडित रविशंकर जी इलाहाबाद में आए, मेरे जो ताऊजी थे नलिन मजुमदार जी, वो उनको बुलाए थे, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन झनकार था, उसका सिल्वर जुबली था। तो तब पंडित रविशंकर जी ने मुझे सुना, सुनने के बाद वो बहुत खुश हुए हमको, उन्होंने फिर बोला कि तुम दिल्ली आओ, दिल्ली में हम एक छोटा सा गुरुकुल हमारे घर में हम रखें, कुछ चुने हुए शागिर्द वहाँ रहते हैं हमारे साथ, तो तुम भी आके वहाँ पे रहो। तो मैंने कॉलेज उस समय सेंट जोसेफ्स में, मैं फाइनल ईयर में था, मैं ख़त्म करके मैं दिल्ली चला गया। फिर उनके पास मैं 7 साल रहा। जब रविशंकर जी के पास मैं गया, जब उनका मैंने सुना, और उनके पास जब मैं दिन रात उसी घर में उनके साथ रहना, खाना पीना, मुझे लगा कि मुझे जो साज जो मेरे लिए है, जो मुझे सीखना है, जो मुझे बजाना है, वो सितार है। और पंडित रविशंकर जी जैसा गुरु पाके अगर मैं सितार नहीं सीख सका तो क्या फ़ायदा है उनके पास आके। तो फिर मैंने वायलिन छोड़ के काफ़ी देर, मतलब लोग तो काफ़ी शुरू में अपना एक साज या आवाज़ अगर जो भी कुछ आप चाहते हैं वो चूज़ कर लेते हैं, मेरे लाइफ में वो काफ़ी देर में हुआ। लेकिन बिकॉज़ मेरे अंदर वो एक जुनून बोलिए, एक पैशन बोलिए, वो था कि नहीं मुझे सितार ही बजाना है, तो मैंने फिर सितार का तालीम एकदम विधिवत, एकदम सारे गामा से, सरगम से, पलटे से, और मिजराब कैसे पहनते हैं, मेरे पास तो देखिए, मैं वायलिन सीखने गया था उनके पास, वायलिन ऑलरेडी बजा रहा था मैं, वायलिन पे जो घराने का जो संगीत है मैहर का, वो मैं सीखने के लिए गया था। तो मेरे पास तो सितार भी नहीं था, तो पंडित रविशंकर जी ने अपना सितार हमको दिया, मिजराब दिया, और मेरा तालीम उन्होंने शुरू किया। तो इस तरीके का जर्नी, फिर उसके बाद फिर मैंने खूब उसमें मेहनत किया, और गुरु के आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से, मैं जल्दी ही रेडियो का जो ऑडिशन है उसको मैंने पास किया। उसके बाद हमने टेलीविज़न में बजाना शुरू किया, देश में कॉन्सर्ट शुरू हुआ, और विदेशों में भी मेरा बजाना शुरू हुआ। अभी शिवेंद्र भाई, आपको जान के खुशी होगी, सितार परफॉर्म करते हुए पूरे विश्व में अभी
मेरा 28वां साल चल रहा है। 1993 मार्च में मैंने अपना डेब्यू किया और ये 2021 चल रहा है, देखते देखते करीब अभी 3 दशक होने को आ रहा है। और बहुत सबका मुझे प्यार आशीर्वाद बहुत मिला, मुझे बहुत खुशी है और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने सितार को चुना। दादा, बीच बीच में आपसे गुजारिश करता रहूंगा कि कुछ संगीत भी होता रहे, तो कोई शास्त्रीय राग जो आप हमें सुनाना चाहें। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।